वहीं जनपद रुद्रप्रयाग के रतूड़ा सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 40 से 50 गांवों की जनता को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली नसीब नहीं हो पाई है, जिससे लोगों को रोजमर्रा के काम भी नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। अब क्षेत्रीय जनता ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना देने की चेतावनी दी है, साथ ही जिला अधिकारी से विद्युत विभाग के एक्शन जेई को हटाने की मांग की है। हैरानी की बात तो यह है कि रुद्रप्रयाग विधायक एवं ब्लॉक प्रमुख का निजी क्षेत्र भी यही है, फिर भी जनता मूलभूत जरूरत बिजली के लिए तरस रही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की खास रिपोर्ट। बैंकों में बच्चों के काम है, ईडब्ल्यूएस बनाना है, किसी को निवास प्रमाण पत्र बनाना, नहीं बन पा रहे हैं। 24 घंटे से लाइट नहीं है, जबकि ये हमारे मुख्यालय से जुड़ा हुआ मार्ग है, वह NH है, और यहाँ पर विधायक जी भी हैं, हमारे प्रमुख जी भी हैं। यहाँ तल्ला नागपुर से लेकर रानीगढ़ क्षेत्र कम से कम 25-40 गांव ग्राम सभाएं हैं जहाँ की ये लाइट से वंचित हैं। 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक विभाग ने कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की है। हम कई सालों से 15-20 सालों से मांग कर रहे हैं कि आप यहाँ सब स्टेशन हमें दीजिए, जो कि हम जगह भी दे रहे हैं कोटगी में, परंतु विभाग के जो अधिकारी हैं वे बड़े लापरवाह हैं, वो अभी तक डीपी। मैं यही कहूँगा कि हमारे जो घोलती रतूड़ा का जो फिल्टर है, इसमें महीने में मुश्किल से 5-7 दिन से ऊपर लाइट नहीं रहती। शाम को हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा आंधी तूफान भी होगी, हमेशा लाइट चली जाती है। यहाँ पे जनता इतनी परेशान है कि लाइट का मामला इतना संगीन है, और अधिकारियों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि यहाँ लाइट है कि नहीं। रात को यहाँ लाइट कभी होती नहीं। आजकल यात्रा सीजन पीक पे चल रहा है, लोगों के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, CSC सेंटर्स हैं, बैंक्स हैं, दुकानें हैं, सब लोग परेशान हैं बिना लाइट की। और लाइट का यहाँ पर ये सीन है कि यहाँ पर महीने में मुश्किल से 10 दिन भी लाइट नहीं रहती, और हमारे जो अधिकारी महोदय हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि लाइट यहाँ पे है कि नहीं है। नाम नागेंद्र सिंह बिष्ट है, मैं यहाँ पे घोलतीर में एक CSC संचालक हूँ। यहाँ पे 24 घंटे से अभी बिजली नहीं है, और लगातार विद्युत विभाग बहाने बना रहा है कि हम अभी सप्लाई देते हैं, लोगों के सारे भी जितने भी कार्य हैं सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं।